हम साइट को कहाँ से देखेंगे? देखिए, साइट को ऊपर से देखना है, ना कि बीच में से, नीचे से। जैसे अंगुली का नाखून होता है, उस नाखून को देखते हैं वैसे। अब ट्रिगर फिंगर, ट्रिगर पे फिंगर को कहाँ रखना है? ये देखिए, यह गोली की पहली लाइन है, ये पहली लाइन है, और यह ट्रिगर का अंगुली का आगे का हिस्सा है। ट्रिगर को इन दोनों के सेंटर में रखेंगे, यहाँ से। अब इस शूटर का देखिए लेफ्ट शोल्डर की स्थिति, जो एक्टिव है, यानी इसका दिमाग इस तरफ है, तो ये बिल्कुल गलत है। इस तरीके से शोल्डर को नहीं रखा जाता। अब देखिए, अब इसकी पोजीशन, अब इसने रिलैक्स कर रखा है, इसके गर्दन की पोजीशन देखिए, इसके सर की पोजीशन देखिए, हल्का सा काउंटर बैलेंस रख रखा है। मैं इस काउंटर बैलेंस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। अब इसके फुट की पोजीशन देखिए, जो कि शूटिंग के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसने पाँव को किस तरीके से रख रखा है, ये बिल्कुल ही गलत है। कभी पाँव को ऐसे दाएं बाएं ऐसे नहीं रख सकते आप। एक पाँव किस तरफ है, एक पाँव किस तरफ है, अब कुछ शूटर पाँव को इस तरीके से खड़े हो जाते हैं करके, जैसे आर्मी के अंदर परेड कर रहे हैं हम, इससे बॉडी टाइट हो जाती है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अभी देखिए इसके पाँव की पोजीशन, ये करेक्ट है, एकदम रिलैक्स होके खड़ा होना है। जैसे हम चलते हैं तब हमारे पाँव की जो स्थिति रहती है वो। अभी इस खिलाड़ी को देखिए, इसकी पोजीशन देखिए, नेक की, गर्दन की, लेफ्ट शोल्डर की, आंखों की पोजीशन। अब ड्राई करने के लिए आपको कुछ देर फुट क्लोज ड्राई करनी है, जिसमें आपका लेफ्ट शोल्डर, गर्दन, नेक, शोल्डर, हिप सब सही हो। कुछ देर इस तरीके से ड्राई करेंगे हम, जिससे बॉडी का बैलेंस बना रहता है। जब हम गोली चलाते हैं तो हमारी बॉडी आगे पीछे की ओर झूलती है, जो नहीं झूलेगी। फुट क्लोज होल्डिंग, फिर उसके बाद ये देखिए, नॉर्मल पाँव रख के होल्डिंग करनी है और ड्राई। आप ड्राई के, जैसे हर खिलाड़ी के पास गन पर्सनल नहीं होती, तो ईंट या डंबल से इस तरीके से फुट क्लोज नॉर्मल पाँव रख के भी होल्डिंग कर सकता है। ये देखिए, ये हाथ की पोजीशन देखिए। अब जो तीसरा तरीका है ड्राई करने का, ये देखिए, ये पंजों पे पाँव टिका के एडियो को इसने उठा रखा है। ये देखिए, एडिया ज़मीन से उठी हुई है। ये वीडियो में इतनी क्लियर दिख नहीं रही, बाकी ये पंजों पे है, ये देखिए एडिया उठी हुई है। कुछ देर इस तरीके से ड्राई और होल्डिंग करनी है, जिससे बॉडी का बैलेंस बना रहे। इसमें भी आपको ध्यान रखना है आपकी पोजीशन सही हो। लेफ्ट शोल्डर, नेक, सर की पोजीशन, काउंटर बैलेंस, पाँव की पोजीशन, ये सभी सही हो। फिर नॉर्मल पोजीशन में ड्राई और होल्डिंग करनी है। जितनी भी देर आप करते हैं उसको डिवाइड कर दीजिए इन तीन पोजीशन में, इससे आपका बॉडी बैलेंस बना रहेगा।
अब जैसे इस खिलाड़ी ने जेब के अंदर मुट्ठी को बंद कर रखा है, ये भी गलत है। हाथ को एकदम लूज रिलैक्स कैसे रख सकते हैं, वैसे रखना है। अब इसकी नेक की पोजीशन देखिए, आगे की ओर इसने नेक झुका ली, ये गलत है। इस तरीके से आपके गोली का एंगल नीचे की ओर बनेगा। अब देखिए इसकी नेक की पोजीशन, इसने उठा ली। इस तरीके से अगर अपन साइड देखेंगे तो गोली का एंगल नीचे की ओर बनेगा।